लिंखी, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर किसान आज पूरे देश में चक्का जाम करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान नेता जाम लगाएंगे। किसान नेताओं के मुताबिक इस चक्का जाम में इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा। दिल्ली के बॉर्डर्स पर डट कर खड़े और अपनी मांगों पर अड़े किसान आज देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान संगठन से जुड़े लोग चक्का जाम नहीं करेंगे। इन 3 राज्यों में रहने वाले लोगों को किसानों के इस चक्का जाम से कोई मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। आम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है कि उत्तराखंड और यूपी में ये चक्का जाम नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इन राज्यों में किसानों के चक्का जाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बंद ये करा, हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कुछ लोग वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा और हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेता है उसके साथ में है। हमारे में कोई मनमुटाव कहीं नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। इसमें एम्बुलेंस, पुलिस या फिर सेना के वाहन या फिर दूसरे सुरक्षा बलों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। साथ ही उन वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होगी जो किसी शादी विवाह समारोह से जुड़े होंगे। किसानों ने ये भी कहा है कि स्कूल बस, बुजुर्ग, महिलाओं को असुविधा ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बाकी वाहनों के लिए 3 घंटे तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम रहेगा। दोपहर 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया जाएगा। पूरा भारत बंद है, पंजाब बंद होगा। 12 से 3 बजे तक सरकार के जो सारे दावे उसको उल्टा साबित कर देगा। देख लेंगे तो मर्जी कल भी कैसे कल पूरा भारत बंद होता 3 घंटे के लिए। सब जगह पर जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो जिलों में विशेषकर, तो वहाँ के किसान वहीं पर करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहले से बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चक्का जाम वाली स्थिति नहीं है। किसानों ने भले ही दिल्ली में चक्का जाम न करने की बात कही है, लेकिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ये जो चक्का जाम का कॉल फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के द्वारा दिया गया है, वो सारे भारत में दिया गया है। हालांकि उनका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर उनका कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से एक भावलेट किया उन्होंने, जो परमिशन जिसके उन्होंने एग्री किया था, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचाया गया, उसके मद्देनज़र हम लोग जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम वहाँ पर हमने किया है। 26 जनवरी की घटना को लेकर किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर खूब सवाल उठाए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तब भी कहा था कि उसने जानबूझकर किसानों पर सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस से संपर्क में है। दिल्ली के भीतर कोई उपद्रवी दाखिल नहीं हो सकता। तमाम संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है, क्योंकि आम तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ही पहले भी आंदोलनकारियों को उकसाने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि चक्का जाम के दौरान किसानों की आड़ में कुछ लोग अशांति फैलाने का काम कर सकते हैं, खास तौर पर वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन कायम रहे। यही वजह भी है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सभी रेंज के स्पेशल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा टल गया है। अमित शाह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जाने वाले थे, लेकिन अब वो कल सिंधुदुर्ग जाएंगे।
तो देश भर में आज होगा चक्का जाम। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के अलावा यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें, इस पर किसान संगठन एकमत नहीं है। बड़े किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक दूसरे किसान संगठन यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम कर सकते हैं। हालांकि सरवन सिंह पंढेर ने यह भी कहा कि उनकी अभी तक राकेश टिकैत से बातचीत नहीं हुई है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत के बाद ये भी फैसला हो जाए कि इन तीन राज्यों में भी चक्का जाम किया जाए। हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा। देखिए, इसका कोई मालूम नहीं चला। टिकैत साहब बहुत समझदार लीडर हैं। टिकैत साहब से बात नहीं हुई आपकी? ना, अभी बात करेंगे तो बताएंगे, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं। ऐसे यूपी और उत्तराखंड में बाकी जथेबंदियां कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।